Welcome, my dear students. In previous lecture, we have discussed about curves. पिछले लेक्चर में हमने curves के बारे में पढ़ा था. Today we are going to discuss about angles. What are angles? You know, today's topic is angles. अपनों ने पढ़ा था rays के बारे में, है ना, line के बारे में. So an angle is formed by two different rays starting from the same initial point. मीन्स एक ये इनिशियल पॉइंट है और एक एंगल क्या होता है. एंगल की डेफिनेशन क्या है. एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम सेम इनिशियल पॉइंट. सो ये सेम इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से एक रे ये बनती है और एक रे ये बनती है, ठीक है. और इन रेज को नेम दिया जाता है, जैसे मान लो मैं ए बी और इनका एक इनिशियल पॉइंट है ओ, तो इनके बीच में जो ये बनता है इसी को एंगल बोला जाता है. दिस इज कॉल्ड एंगल, है ना, इसको एंगल बोला जाता है. अब इस एंगल को दो तरीके से नोटेशन दिया जा सकता है. इसको एंगल ओ भी बोल सकते हैं. एंगल का नोटेशन कौन सा रहता है, इस नोटेशन से एंगल को शो करते हैं. सो इसको एंगल ओ बोलेंगे. क्या बोलेंगे इसको, एंगल ओ. और इसको दूसरी तरीके से भी लिखा जा सकता है, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी. या फिर और इसको बी ओ ए, एंगल बी ओ ए. मीन्स जिस पॉइंट पे, जो कॉमन पॉइंट है जहां पर एंगल बन रहा है उसको बीच में लिखा जाता है. जैसे ए ओ बी में भी ओ बीच में आ रहा है, बी ओ ए में भी ओ बीच में आ रहा है. मीन्स जो कॉमन पॉइंट होता है, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टू रेज विच फॉर्म एंगल मस्ट बी रिटन इन द नोटेशन ऑफ इन बिटवीन. ओके, नोटेशन के बीच में ही इसको लिखा जाता है. जब नोटेशन एंगल ए ओ बी लिखते हैं तो ओ हमेशा बीच में आ रहा है. इससे पता चलता है, जब भी अब ये हमने सामने फिगर बना हुआ नहीं है और सिर्फ किसी ने लिख दिया कि एंगल बी ओ ए, तो अपनों को समझ में आ जाता है कि ओ पे एंगल बन रहा है और बी और ए जो है टू डिफरेंट डिफरेंट रेज है, ठीक है. तो ये तो हो गया कि एंगल कैसे बनता है. अब इस एंगल में ये जो दोनों साइड या रे है इनको आर्म्स भी बोला जाता है. ये भी आर्म, सो इसकी दो आर्म होती है, मतलब दो भुजाएं होती है. ये जो दो साइड है, जो दो रे है, इनको आर्म या साइड्स, एंगल की साइड्स भी बोला जाता है. एंगल की साइड्स, यहां पर एंगल की एक साइड है ओ ए और एक साइड है ओ बी. एंगल की दो साइड बन रही है, एक तो ओ ए, ये जो पहली रे थी इसको ओ ए बोला जाता है और ये ओ बी बोला जाता है, ठीक है. सो इस तरीके से एंगल की इनको आर्म या साइड बोला जाता है. और जो कॉमन पॉइंट होता है इसको बोलते हैं वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स बोला जाता है. यानी दोनों रेस से जो कॉमन एंगल बना है, ये कॉमन पॉइंट जिसपे एंगल बनता है, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है. तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस तरीके से एंगल बनाया जाता है. अब एक एग्जांपल लेते हैं. अब एक एंगल बनाया यहां पर, इसको मैं P नाम दे देता हूं, इसको Q नाम दे देता हूं और इसको कॉमन पॉइंट जो है R. अब यहां पर एंगल किस पे बन रहा है, R पे बन रहा है, ठीक है. तो इसको एंगल R भी बोल सकते हैं, इसको एंगल पी आर क्यू भी बोल सकते हैं, पी आर क्यू, और एंगल इसको इधर से क्यू आर पी भी बोल सकते हैं, एक ही बात, ठीक है. तो ये तीनों सेम एक ही एंगल. अब ये जो एंगल बना, है ना, हिंदी में एंगल मीन्स कोण. ये जो एंगल बना, इसमें तीन रीजन बन रहे हैं हमारे. यानी एक तो ये रीजन है, ये अंदर अंदर का, यहाँ 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 इतना इतना, इसमें ए पॉइंट है, एक इधर साइड में बी पॉइंट है और एक इस साइड में सी पॉइंट है. तो यहाँ पर तीन पोजिशन बनती है. एक तो इसको, ये जो अंदर पहले भी देखा था कि कर्व्स के अंदर भी तीन पोजीशन बन रही थी, एक अंदर बाहर और एक बाउंड्री पे. तो इसी तरह इसमें जो पॉइंट ए है, ये कि एंगल के इंटीरियर में है. ये पॉइंट ए कहां पर है, एंगल के इंटीरियर में. और पॉइंट सी और पॉइंट बी जो है ये एक्सटीरियर में है. तीन रीजन कौन से बन रहे हैं, एक इंटीरियर बन रहा है, एक एक्सटीरियर बन रहा है, और एक कोई सा भी पॉइंट जैसे ए बी सी के अलावा यहां पर डी पॉइंट ले लो, यहाँ पर E पॉइंट ले लो. तो ये लाइन के ऊपर जो बनता है ये कॉमन बाउंड्री पे बनता है. इसको क्या बोलते हैं, ये जो एंगल डी और E जो पॉइंट है, पॉइंट डी और E, ये कॉमन बाउंड्री पे बनता है. कहां पर बनता है, कॉमन बाउंड्री. ओके, सो इन एनी एंगल देर आर थ्री रीजंस वी कैन से इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड कॉमन बाउंड्री. इन एनी एंगल देर आर थ्री रीजंस, किसी भी एंगल के तीन रीजन बनते हैं. एक तो एंगल के अंदर का, दोनों साइड के अंदर का जो रीजन है,
वो इंटीरियर रीजन है, सो वी कैन कॉल इट इंटीरियर। और एंगल के बाहर का जो रीजन है इसको बोलते हैं एक्सटीरियर, है ना, बाहर का एक्सटीरियर रीजन, ठीक है। और जो ये जो इनकी साइड है इसके ऊपर कोई पॉइंट है तो उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑन कॉमन बाउंड्री, कॉमन बाउंड्री पे पॉइंट, ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब किसी भी एंगल को किस तरीके से लिखा जा सकता है, अब इसमें एक केस और बनता है वो भी आपको मैं बता देता हूं, इसको थोड़ा देखिएगा कि जैसे मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं जो आपकी बुक में भी बना हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो, है ना, ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। और ए बी सी, इसको ए बी सी और डी नाम दिया है, ओके। सो देयर इज अ फिगर इन योर बुक, ओके, ऑन पेज 103 ये बना हुआ है, इसको ए बी सी डी नाम दिया गया है। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसको वन एंगल, इसको ये एग्जांपल 15 है ना, इसको एंगल 2, ये मान लो एंगल के अंदर भी लिख सकते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये एंगल 5 और ये एंगल 6, इस तरीके से इनको नाम दिया है। सो इन द फॉलोइंग फिगर नेम द एंगल इंडिकेटेड बाय यूजिंग द लेटर्स, अब इन लेटर्स का नाम है, जैसे ये एंगल 1 ले लेते हैं अपन, कि ये एंगल 1 है, इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं, इस एंगल 1 को देखिए, तो ये ए जो है ये वर्टेक्स है, हो गया इसका, है ना, कॉमन पॉइंट हो गया, तो इसको बी ए सी, एक तो क्या बोल सकते हैं इसको बी ए सी, एक तो ये बोल सकते हैं, और सी ए बी भी बोल सकते हैं इसको, एंगल सी ए बी, ठीक है, ये भी हो। अच्छा, बीच में जो पॉइंट आ रहा है कॉमन बाउंड्री पे, इससे भी तो एंगल यही बन रहा है, तो इसको मैं एक और नाम भी दे सकता हूं एंगल 1 को, डी ए बी, इसको और लगाकर एंगल डी ए बी, इसी एंगल 1 का कितने नाम हो रहे हैं, डी ए बी, क्योंकि बी ए डी भी इसी का नाम है, एंगल डी ए डी। लेकिन इन चारों नाम, चारों नाम किसके, सिर्फ इस एंगल ए के, और इनमें कॉमन चीज क्या दिख रही है, बीच में एंगल ए, यानी हमेशा जो वर्टेक्स रहता है उसको बीच में लिखा जाता है, उससे पता चलता है कि हाँ ए के ऊपर एंगल बनाओ। उसी तरह 6 को भी हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको भी ए डी बी, बी डी ए, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके बुक में दे रखा है एग्जाम्पल, इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और 16 एग्जाम्पल में आपको पॉइंट देखना है कि कौन से रीजन में है, है ना, जी एस एन आर, ये जो पॉइंट है इंटीरियर में कि एक्सटीरियर में, तो इस तरीके से आपको एंगल समझ में आना चाहिए कि कौन से पॉइंट पे है, बहुत ही इजी टास्क है। अब इस तरीके से आपका, इससे पहले कर्व्स पढ़ा था उसमें 5.2 सोल्व करना है, इसमें 5.3 करना है, है ना, तो ये आपको सोल्व करके आपको पीडीएफ के रूप में दिया जाएगा, फिर उसी पीडीएफ का मैं वीडियो बना के उसको आपको समझाते हुए एक एक क्वेश्चन को आगे बढ़ाते रहेंगे, उस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो ये जो एंगल्स का टॉपिक है हमारा, इसी तरह आपका छोटा सा टॉपिक है ट्रायंगल्स, ओके। सो एंगल्स से ही ट्रायंगल्स बना है, देखिए ट्रायंगल्स क्या है, आपको एंगल समझ में आया कि दो रेस से मिलकर एक एंगल बनता है, तो अब थोड़ा ट्रायंगल के बारे में जानिए, ट्रायंगल कैसा दिखता है, ट्रायंगल ऐसा दिखता है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। ट्रायंगल मतलब हिंदी में होता है त्रिभुज, जिसके तीन भुजाएं हैं उसको त्रिभुज, ट्रायंगल मतलब जिसके तीन एंगल हो, ट्रायंगल मतलब तीन एंगल्स हो, ठीक है। सो ए बी सी आपका ट्रायंगल बनता है। अब इसमें क्या क्या होता है, ट्रायंगल में देखिए इसमें तीन साइड होती है, ए बी एक साइड हो गई, बी सी एक साइड हो गई, सी ए। सो इन एनी ट्रायंगल्स, किसी भी ट्रायंगल में क्या क्या होता है, थ्री साइड्स होती है, थ्री साइड्स कौन कौन सी, ए बी, साइड ए बी, साइड बी सी और साइड सी ए, ये तीन साइड हो गई। इस ए बी को बी ए भी लिख सकते हैं, बी सी को सी ए सी बी भी लिख सकते हैं, और सी ए को ए सी भी लिख सकते हैं। सो ये तीन साइड हो गई, ए बी बी सी सी ए, ठीक है, ये तो हो गया, तीन साइड हो गई आपकी। ट्रायंगल का नोटेशन कैसा होता है, इस ट्रायंगल को ट्रायंगल ए बी सी ऐसे लिखा जाता है, जैसे एंगल का नोटेशन कैसे लिख रहे थे, एंगल ए ओ बी लिख रहे थे ना, इस तरीके से एंगल बना रहे थे, यहाँ पर ट्रायंगल का नोटेशन कैसे, ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ये ट्रायंगल ए बी सी बना हुआ है, ठीक है। इसमें तीन साइड होती है, साइड ए बी, साइड बी सी, साइड सी ए, ठीक है। सो इसमें तीन, थ्री एंगल्स भी होते हैं, थ्री साइड्स हो गई, उसी तरह कितने एंगल दिख रहे हैं आपको, 1 2 3, ठीक है। सो थ्री
थ्री एंगल्स भी होते हैं। थ्री एंगल्स में सबसे पहला आता है सी ए बी, एंगल सी ए बी। एक आता है एंगल ए बी सी और एक आता है एंगल बी सी ए। ये तीन एंगल होते हैं, पहला ए पे है, दूसरा बी पे है, तीसरा सी पे, बीच में जो नोटेशन आ रहा है। तो एंगल सी ए बी, सी ए बी मतलब एंगल ए हो गया, एंगल ए बी सी, ए बी सी मतलब एंगल बी पे हो गया। इस तरह थ्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। ये तीन एंगल हो गए और थ्री वर्टिसेस, थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स, थ्री वर्टिसेस। तीन वर्टेक्स होते हैं, सो थ्री वर्टिसेस में ए वर्टिसेस, बी वर्टिसेस और सी। ये एक वर्टिसेस हो गया, दो दो साइड का कॉमन पॉइंट, ये एक वर्टिसेस हो गया, सो थ्री वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। ये तो हो गई चीजें तीन। अब इसमें थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स और थ्री वर्टिसेस होते हैं। थ्री साइड्स कौन कौन सी, ये तीनों साइड समझ में आ गई। थ्री एंगल्स कौन कौन से, तीनों एंगल, और थ्री वर्टिसेस ये जो कॉमन पॉइंट होते हैं। अब इस वर्टिसेस ए के अपोजिट में, इस ए के जस्ट अपोजिट में इसकी साइड होती है साइड बी सी, बी के जस्ट अपोजिट में साइड होती है साइड ए सी, ठीक है ना। सो इस तरीके से इसमें भी ट्रायंगल में, इसमें भी यहाँ पर कोई पॉइंट है तो वो मान लो बी पॉइंट इंटीरियर में, इधर कोई क्यू पॉइंट है वो एक्सटीरियर में, ठीक है, और इधर कोई पी क्यू, इधर आर पॉइंट जो है वो कॉमन बाउंड्री पे, ठीक है। सो इस तरीके से इसमें भी इंटीरियर एक्सटीरियर, और ये अंदर का जो पूरा रीजन होता है, ये वाला पूरा अंदर ट्रायंगल के अंदर, इसको ट्रायंगुलर रीजन बोलते हैं, इसको ट्रायंगुलर रीजन बोला जाता है। ट्रायंगल के अंदर के पूरे रीजन को ट्रायंगुलर रीजन बोला जाता है, ठीक है। आपकी बुक में अच्छे से दिखा रखा है इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट। सो एंगल्स और ट्रायंगल्स में ये है कि एंगल में एक साइड कम होती है, ट्रायंगल में तीन साइड होती है, और इसमें ट्रायंगल में जो है थ्री साइड्स, थ्री एंगल और थ्री वर्टिसेस होते हैं। इसमें भी तीन रीजन बनते हैं, एक इंटीरियर, एक एक्सटीरियर, एक ऊपर बाउंड्री, ठीक है ना, ऑन ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। सो ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आपकी एक्सरसाइज आपको पीडीएफ में सेंड कर दी जाएगी, आप इनको अच्छे से देखें, आपकी बुक में भी देखना, एग्जाम्पल समझा रखें इनको। ओके, बाय।